Hello, my name is Tamim Ijaz Alam. I'm from the University of Central Punjab, DLD Theory, Section F. आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप. और अगर आपसे कोई पूछ लेते हैं कि मुझे कोई करेक्टरिस्टिक टेबल बना के दाओ कोई भी फ्लिप फ्लॉप का, तो आप उसको सिंपल बताओगे रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट है क्यू एस आर और उसके ऊपर फिर 1, 2, 4, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 आ गया, इसी तरह फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 आ गया, और इसी तरह 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1. अब ये इधर जो क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू है वो कैसे आ रही है, वो इस तरह आ रही है कि इधर दो टाइम दो दो दफ़ा जीरो तो लास्ट वैल्यू को होल्ड कर लेगा, ठीक है. अब इधर इधर भी देखें दो दो दफ़ा जीरो तो लास्ट वैल्यू को होल्ड कर लेगा जो कि 1 है. फिर इधर जब 0 1 है तो रीसेट कर देगा, ठीक है. इधर भी 0 1 है तो रीसेट कर देगा जो कि 0 है. अब इधर 1 0 है तो वो सेट कर देगा, ठीक है. इधर भी 1 0 है तो वो सेट कर देगा. अब जब इधर 1 1 आ गया ना, तो उसका मतलब यानी कि ये एम्बिगियस है. उधर हम x लिखते होते हैं. अब आज जे के फ्लिप फ्लॉप की तरफ, तो उधर भी सेम 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1. तो जब हम जाएंगे क्यों इसकी आउटपुट पे, तो वो भी इसी तरह है. जब दो दफ़ा 0 होगा तो लास्ट वैल्यू को होल्ड कर लेगा, जब दो दफ़ा 0 होगा तो लास्ट वैल्यू को होल्ड कर लेगा, जब 0 1 होगा तो रीसेट कर देगा, जब 0 1 होगा तो लास्ट वैल्यू को रीसेट कर देगा, तो जब 1 0 होगा तो सेट कर देगा, जब दोबारा इधर भी 1 0 होगा तो सेट कर देगा. अब जब इधर 1 1 है ना, इधर जे के फ्लिप फ्लॉप में, उसका मतलब ये है कि जो लास्ट वैल्यू है उसको टॉगल करें, मतलब यानी कि वो देखें वो इधर 0 तो 1 होगी. अब इधर लास्ट वैल्यू पे आ जाएं तो इधर भी दो दो दफ़ा 1 है तो इधर 1 है लास्ट वैल्यू, वो 0 होगी. इसको टॉगल करना कहते हैं. अब जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप है जो आज हमने करना है वो है डी फ्लिप फ्लॉप. तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप नोटिस करेंगे कि देखें डी फ्लिप फ्लॉप और क्यू टी प्लस 1 दोनों सेम है. तो यानी कि जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू आ गई तो वही क्यू टी प्लस 1 की भी वैल्यू आ गई. थैंक यू सो मच, होप कि आपको समझ आई होगी. शुक्रिया.